हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बुलंदशहर एसएसपी और सामाजिक संगठन रोटरी क्लब द्वारा न सिर्फ पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क दिए गए, बल्कि सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को भी बताया गया कि वो सड़क या फिर भीड़भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क लगाए बिल्कुल ना जाएं। इतना ही नहीं, एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते वक्त या लोगों से मिलते वक्त मास्क ज़रूर लगाएं। जबकि इस जिले के कप्तान ने पुलिस कर्मियों को समय समय पर सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस को लेकर भय का माहौल है। जबकि दिल्ली में सिनेमाघर और स्कूलों की छुट्टी की घोषणा के बाद बुलंदशहर में रोटरी क्लब और एसएसपी की इस पहल को देख लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी से मिलते वक्त उस शख्स में खांसी जुकाम पाया जाता है तो पुलिस उसे भी मास्क दे, ताकि कोई भी वायरस जनपद में आगे ना फैल पाए। क्योंकि विश्व में कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा भय व्याप्त है और लोग प्रिकॉशन भी नहीं ले रहे हैं। हमारे एसएसपी महोदय ने इस सब को मद्देनजर रखते हुए अपने विभाग की एवं अन्य जो हमारे यहाँ जनता आती है उसको जागरूक करने हेतु ये मास्क बांटे हैं, जिससे कि जनता जागरूक हो और लोगों को, पब्लिक को भी हम लोग मास्क दे रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी मेरे महिला सेल में पारिवारिक झगड़े आते हैं, पति पत्नी के बहुत सारी भीड़ आती है, कोई खांसता हुआ आता है, कोई बीमार आता है, तो हम लोग भी सेफ रह सकें, इसलिए हमारे एसएसपी महोदय ने हम लोगों को भी जागरूक किया है और जनता को भी जागरूक किया है, इसलिए उन्होंने मास्क मंगा के सबको बांटे वितरित किए हैं, जिससे कि हम लोग भी सेफ रहें और आने वाले लोग भी सेफ रहें, इससे जागरूकता बढ़े। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज़। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।